الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ग्रामी क़दर हाज़रीन वाम इंसान को अल्लाह तबारक दुनिया में इम्तहान और आजमाइश के लिए भेजा है हर मुसलमान का ये नज़रिया और ये अकीदा होना चाहिए कि इस दुनिया में मुझे इम्तहान और आजमाइश के लिए भेजा गया है मैं इस दुनिया के अंदर रहने के लिए हमेशा हमेशा के तौर पर नहीं आया बल्कि मेरे लिए ये दुनिया आख़रत की एक खेती है इस जहान में जो मैं मेहनत करूँगा जो मैं कस्ब इख्तियार करूँगा और जो मेरे आमाल होंगे उन्हीं आमाल के बदले में आखरत में मुझे नतीजा दिया जाएगा और उन अमाल के बदले में आखरत में मेरे लिए जजा और सज़ा का फैसला होगा ये हर मुसलमान के दिल में अकीदा होना चाहिए कि हम इस दुनिया में आजमाइश और इम्तिहान के लिए आए हैं और हमें इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा नहीं रहना हदीसे पाक में आता है मोमिन का एक नज़रिया समझाया अ दुनिया व जन्नतुल काफिर मुसलमान को ये नज़रिया रखना चाहिए और मुसलमान का अमल इस दुनिया में ऐसा होना चाहिए जैसा कि एक कैदी जेल में होता है एक कैदी जब जेल में होता है तो दो बातें उसके जहन में हमेशा रहती हैं पहली बात तो ये होती है कि अगर जेल में जितनी भी राहत दी जाए और जितनी भी सहूलियात उसको मैसर हों जब भी बिल आखिर उसका दिल जेल में लगता नहीं है बाहर निकलने को बेकरार और बेताब होता है गो कि उसके घर में फक्र हो फाक़े हो, तंगी और तलखी हो जब भी वो जेल में रहना नहीं चाहता वहाँ वो जी नहीं लगाता एक बात तो ये होती है और दूसरी बात जेल में जो कैदी होता है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती न खाने में न पीने में न पहनने में किसी भी चीज़ में उसकी अपनी मर्जी नहीं होती अगर मर्जी होती भी है तो मर्जी महदूद होती है चंद चीज़ों में उसकी मर्जी चलती है ज़्यादातर उसकी मर्जी नहीं चलती बिल्कुल इसी तरह से मुसलमान को भी इस दुनिया में इन दो तस्वूर के साथ वक्त गुजारना है नंबर एक जिस तरह से कैदी जेल में दिल नहीं लगाया करता बाहर निकलने को बेकरार होता है इसी तरह से मुसलमान इस दुनिया में दिल नहीं लगाता ये दुनिया उसके लिए कैद खाना है इसमें अपना दिल नहीं लगाता वो अपनी सारी की सारी तवज्जोहात और सारी की सारी मेहनत का मरकज़ दुनिया को नहीं बनाता दुनिया में वो दिल नहीं लगाता और दूसरा जिस तरह से कैदी जेल में अपनी मर्ज़ी से खाना पीना और अपनी मर्जी नहीं कर सकता उसकी मर्जी महदूद होती है इसी तरह से मुसलमान की भी इस दुनिया में मर्जी और इख्तियार महदूद है कुछ चीज़ें खाने की इजाज़त कुछ चीज़ों से रोक दिया गया हराम के खाने से रोक दिया गया हराम के देखने से रोक दिया गया हराम सुनने से रोक दिया गया हराम के बोलने से रोक दिया गया हाथों से जो चाहो करो गुनाह ना करो तो चंद चीज़ों से इसको रोक दिया गया इसे पाबंद कर दिया गया कि इसका इख्तियार यहाँ महदूद है ये अल्लाह तबारक तआला के इख्तियार के मुताबिक अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक यहाँ जिंदगी गुजारेगा तो इसलिए ये मुसलमान इस दुनिया के अंदर वो आज़ाद नहीं है इसलिए प्यारे पैगंबर सरसात फरमाया दुनिया तो मुसलमान के लिए कैद खाना है वह जन्नतल काफिर और काफिर की ये जन्नत है आखरत में जन्नत में क्या मिलेगा जन्नत में दो बातें बड़ी अहम होंगी एक बात तो यह कि जन्नत में दाखिले के बाद वहां से निकलने का तस्वर नहीं है हमेशा हमेशा वाली जिंदगी उसको मिल जाएगी और नंबर दो वालकुम कुमफी हा मा तशतुम वाल फ़ी हा मा तद जन्नत में जो आप दिल में तमन्ना करेंगे जो चाहत अख्तियार करेंगे उस चाहत और तमन्ना को फौरी पूरा किया जाएगा इसलिए कहा कि ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है यहाँ काफिर की हर चाहत पूरी हो सकती है जो वो दिल से चाहता है उसको वो पूरी करने की कोशिश करता है वो अलहदा बात है कि हर उसकी मंशा पूरी हो या न हो लेकिन हर बात को पूरी करने की वो मेहनत और कोशिश करता है दूसरा जन्नत जिस तरह से जन्नत में जाने के बाद वहां से निकलना नहीं है इसी तरह से काफिर इस दुनिया से निकलना नहीं चाहता हमेशा हमेशा यहां रहना चाहता है तो मुसलमान को यह नजरिया समझाया कि आपके लिए ये दुनिया कैद खाने की तरह है यहाँ आपकी ज़िंदगी आज़ाद नहीं है आपके इख्तियार महदूद हैं आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से चंद पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और वही पाबंदियाँ दर हकीकत आपका इम्तहान और आपकी आजमाइश है अगर इन पाबंदियों के अंदर इस इम्तहान में आप कामयाब होंगे तो फिर आखरत में आपकी हर चाहत पूरी होगी फिर अबदल आबाद वाली जिंदगी अल्लाह पाक आपको अता करेगा तो जब ये बात आप ज़ैन नशीन फरमा चुके तो अब अगली बात ज़ैन नशीन फरमाएँ कि इस दुनिया के अंदर मुसलमान का नज़रिया क्या अर्ज़ कर दिया ये है कि इसको हमेशा यहाँ नहीं रहना कुछ वक्त इसने यहाँ गुजारना है और हकीकी ज़िंदगी मौत के बाद की ज़िंदगी है वहाँ इसको जाना है वहाँ की कामयाबी असल कामयाबी है तो अबल्ला पाक ने इस दुनिया में कायनत को बनाया है कायनात को अल्लाह पाक ने फैला दिया है ज़मीन आसमान को अल्लाह ने पैदा फरमाया आसमान के अंदर इंसान के नफ़े की चीज़ें रखी ज़मीन के अंदर इंसान के फ़ायदे की बेशुमार चीज़ें रख ली हैं अब इन तमाम चीज़ों से इंसान फ़ायदा कैसे हासिल करे इस फ़ायदे के हसूल के लिए उसे जानने की इल की ज़रूरत है कि कायन की चीज़ों से कैसे फ़ायदा हासिल करें और किस तरह से ये उन चीज़ों को इस्तेमाल करे कि अल्लाह राजी रहे और कैसे इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा ये बात इसके बहसीियत मुसलमान होने के इसके लिए जानना जरूरी है सारी की सारी कायनात अल्लाह ने इसकी खिदमत में लगा दी आसमान और वमीन चरिंद परिंद बिलवासता बिलास्ता सब मखलूकत इंसान की खिदमत में है लेकिन इंसान उन तमाम चीजों से कैसे फायदा हासिल करे इसके लिए इल्म की जरूरत और फिर किस तरह से फायदा हासिल करे तो अल्लाह राजी होता है और कैसे फायदा हासिल करे तो अल्लाह नाराज होता है यह बात जानने की जरूरत तो तीन जराए अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए जिन तीन असबाब के जरिए से इंसान को इल्म हासिल होता है वल्ला अखरजुम बतून उम महातिकुम लतामुन शैन वजान समा अवल अवसारावल अफा जब तुम दुनिया में पैदा हुए और अल्लाह पाक ने तुम्हें माँ के पेटों से दुनिया में लाया तो अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे न तुम सुन सकते थे न तुम देख सकते थे न तुम बात कर सकते थे अल्लाह ने ये सारी सलाहियतें तुम्हारे अंदर पैदा फरमाई इंसान और बाकी जानवरों के अंदर फ़र्क है अल्लाह पाक ने बाकी जो हैवानात हैं, उनका इम्तिहान नहीं है आजमाइश नहीं है पैदा होते ही अपने नफ़े नुकसान को समझते हैं लेकिन इंसान जब पैदा होता है ये अपने नफ़े को अपने नुकसान को अपने फ़ायदे को अपने नुकसान को नहीं समझता ये बाद में आके सीखता है इसे माँ बाप सिखाते हैं ये नवाह के माहौल से सीखता है इसको इल्म के असबाब अल्लाह ने अता फरमाए हैं अल्लाह पाक ने इल्म के तीन असबाब पैदा फरमाए तीन ज़राए से इल्म आता है नंबर एक हवा से खमसा अल्लाह ने पांच हवास इंसान के अंदर रखे देखने की क़वत बहुत सारी चीज़ों का इल्म देखने से हासिल होता है बहुत सारी चीज़ों का इल्म सुनने से हासिल होता है आप सुन रहे हैं बहुत सारी बातें जो आपको पहले मालूम नहीं थी आपको हासिल हुई बहुत सारी चीज़ों की मालूम और चीज़ों के फ़ायदे हाथ लगाकर छू कर पता चलते हैं बहुत सारी चीज़ों का इल्म इंसान को सूंघने से आता है और बहुत सारी चीज़ों का इल्म आदमी को चखने से आता है ये कहलाते हैं हवा से अल्लाह ने यह सलाहियतें रखी हैं और फिर अल्लाह पाक का अजीब निज़ाम है कि जिस हादसे के अंदर और जिस सलाहियत को अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए बनाया है उससे दूसरा मकसद कोई हासिल नहीं कर सकता मसलन आंख का काम देखना है आंख देख सकती है कि सामने दीवार का रंग कैसा है ये आंख बताती है यह छू कर नहीं पता चलता यह सुन कर नहीं पता चलता यह अकल से नहीं पता चलता लेकिन एक जगह पर जाकर इस आँख का इल्म खत्म हो जाता है आँख सिर्फ ये देख रही है कि दीवार है दीवार का रंग ऐसा है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई इतनी है लेकिन इस दीवार से मैं फ़ायदा कैसे हासिल करूँ यह आंख नहीं बताती इसके लिए अल्लाह ने अकल को पैदा किया मैं किस तरह से इस दीवार को इस्तेमाल करूंगा इससे फ़ायदा हासिल करूंगा तो मेरा अल्लाह नाराज़ होगा ये इंसान को आंख नहीं बताती ये अकल बताती तो जहाँ इंसान के ज़ाहरी हवा से खमसाह उनकी इंतहा होती है वहाँ से फिर अकल शुरू होती है फिर अकल से इंसान बहुत सारी मालूम हासिल करता है बहुत सारी चीज़ों का इल्म इंसान अकल से हासिल करता है एक और बात अर्ज करता हूँ इंसान मर गया हर आदमी देखता है कि मरने के बाद उसको नज़रों से औजल कर दिया जाता है अब कोई कहता है कि इसको जला कर नज़रों से हटा दिया जाए कोई कहता है इसे दफन करके नज़रों से हटा दिया जाए और कोई कहता है कि इसको किसी और दूसरे तरीके से समंदर में डाल दिया जाए तो तो, तो नज़रों से हट जाए सब के सब लोगों की अकल इस बात पर इतफाक करती है कि मरने के बाद उसको घर में नहीं रखना चाहिए बदबू पैदा होगी ताफन पैदा होगा लेकिन किस तरह से मरने के बाद हमें इसके साथ क्या अमल करें तो हमारा अल्लाह राजी होगा वो अकल नहीं बताएगी वो फिर वही बताएगी जो इल्म का तीसरा जरिया है तो पहले पांच हवास जिन के ज़रिए से इंसान को इल्म आता है फिर जहां ये हवास ख़त्म हो जाते हैं वहां से अकल का इल्म शुरू होता है और फिर जहां से अकल का इल्म खत्म हो जाता है वहां से वही का इल्म शुरू हो जाता है और ये बात भी अच्छी तरह से जैन नशीन फरमा लें आँख देखने में रोशनी की मोहताज है रात की तारीकी और अंधेरा हो सख्त अंधेरा हो आंख मौजूद है लेकिन नजर नहीं आता इसलिए कि आंख देखने में रोशनी की मोहताज है बिल्कुल इसी तरह से अकल भी सोचने में एक रोशनी की मोहताज है अगर हम अकल को सोचने में आजाद छोड़ देते हैं तो गुमराही के रास्ते खुल जाएंगे आदमी भटक जाएगा लेकिन अगर अकल को वही की रोशनी के अंदर रखा जाए और वो वही की रोशनी से फायदा हासिल करके अकल सोचती है तो फिर अकल राय रास्त पर जाती है फिर यह गुमराही की तरफ नहीं भटकेगी तो अकल के लिए भी नूर की ज़रूरत है रोशनी की ज़रूरत है हिदायत की ज़रूरत है वो है तालीमत इलाही यानी वही का इल्म। तो तीन असबाब मैंने अर्ज़ किए अल्लाह पाक ने इंसान को अता फरमाए हैं एक तो पाँच हवास हैं और दूसरा अकल है और तीसरा जरिया इंसान के लिए वही का है जिससे आदमी हासिल करता है फिर जब ये बात आप जैन नशीन फरमा चुके बात फिर वहीं से अर्ज करता हूं कि मुर्दे को कबर में दफना दिया अब दफनाने के बाद वहां उसके साथ क्या होने वाला है यह ना आंख देख सकती है न कान बता सकता है न अकल बता सकती है ये वही बताएगी ये वही बताएगी इसी तरह से हमारे सामने खाना आता है उसको हम खाते हैं लेकिन किस किस्म का खाना खाने से हमारी आकीबत आखरत तबाह होगी ये अक्ल नहीं बताएगी ये वही बताएगी माल दूसरे का माल है उसकी इजाजत के बगैर हमारे सामने आया और हम उसको खा लें एक तरफ अपना जतीी मार रखा हुआ है अपने घर की चीज बनी हुई रखी हुई है एक तरफ चोरी का मार रखा हुआ है देखने में दोनों की दोनों डिश बराबर की है वो भी वही चीज पकी हुई है ये भी वही चीज पकी हुई है वो भी हलाल जानवर का गोश्त है ये भी हलाल जानवर का गोश्त है लेकिन वो अपने घर का माल है अपना जती माल है यह माल किसी दूसरे का है जो चोरी करके लाया गया उसकी इजाजत के बगैर लाया गया जबान तो दोनों का जायका बताएगी कि इसका भी जायका ठीक है इसका भी जायका ठीक है यह भी खराब नहीं है यह भी खराब नहीं है आंख भी बता दे कि हाँ यह भी अच्छा है यह भी अच्छा है नाक सूंघ कर बता देगा इसकी खुशबू भी अच्छी है इसकी खुशबू भी अच्छी है अकल भी बता देगी हाँ इस पर इतनी मेहनत हुई है इस पर इतनी मेहनत हुई है लेकिन यह खाऊंग तो मेरे लिए हलाल ये खाऊं तो मेरे लिए हराम ये कौन बताएगा ये वही बताएगी ये अल्लाह पाक की तरफ से उतरने वाली वही का इल्म है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इल्म है उसके जरिए से हम हलाल और हराम में और जायज और नाजायज में और जिंदगी की बेहतरी और जिंदगी की अबतरी में हम जो तमीज करेंगे वो वही के जरिए से होती है इल्म वही बहुत बड़ी बुनियाद है अब जब ये बातें दो आप हजरा जैन नशीन फरमा चुके तो अब मैं तीसरी बात अर्ज करता हूं तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक तला ने रसूल अक्रम सलाम पर सबसे पहले सबसे पहले जो वही नाजल फरमाई सबसे पहली जो आयात आई है सब ही जानते हैं कौन सी आयात इकरा बिस्म रबी खलक अब कभी आप उस माहौल का जायजा लें अगर आप तारीख पढ़ें और आप उस माहौल का जायजा लें रसूल पाक सल्ला वम जिस माहौल में नबी मबरूस हुए वहां का माहौल कैसा था बैतुल्ला जो तोहीद का मरकज है 360 सौ साठ बुत वहां नसर है और इंसानी हमदर्दी का तस्वर भी नहीं है जिस ताकतवर का जोर आवर का इकतदार चलता अपने मातहत को दबाने की कोशिश करता दबाने की क्या मार कर खाने की कोशिश करता कतल कर देता दुनिया जहान का हर गुना, दुनिया जहान की हर बुराई उस माहौल और माशरे में मौजूद थी और आप हैरान होंगे कि वो वो सरजमीन थी कि उस जगह पर उस वक्त की जो बड़ी बड़ी सुपर ताकतें थीं, इकतदार था जिनके पास और दुनिया की रैल पहल जिन लोगों के पास थी वो हिजाज मुकदस की जमीन को अपने जेर असर भी नहीं लेना चाहते थे रोम और फारिस के की दो बड़ी सल्तनतें कायम थी तो ये मक्का वालों को अपने जेर असर अपनी हुकूमत में दोनों में से कोई भी लेना पसंद नहीं करता था इसलिए कि ये बद्दू लोग हैं तहजीब से नावाफ हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कत्ल गारत है दुनिया की हर बुराई मौजूद है सुधरा हुआ सुलझा हुआ माहौल नहीं है तो अरबाब इकतदार या हुकूमतें जिस मुल्क को जिस कौम को जेर असर लेती हैं वहाँ दो मकासद होते हैं या तो वहां से कोई माली मुनाफा हासिल हो या वो पढ़े लिखे लोग हों कि हमें काम आ सकें यहां ये यह दोनों चीजें नहीं थी मक्का की सरजमीन वादी गैर जरा के जहां कोई घास उगने वाली भी नहीं थी पत्थर ही पत्थर संगलाख पहाड़ियां पानी का नामो निशान नहीं सर जरखेज नहीं सर सब्ज़ नहीं तो कैसे कोई वहां से मुनाफा इनको हासिल हो और दूसरा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे तो कुछ भी न था अल्लाह तबारक तआला ने वही नाजिल फरमाई अकरा बिसमी खलक ये पहली वही आई और फिर आप ये बात नशीन फरमा लीजिए कि अकल की दौलत तो उनके पास भी मौजूद थी हवा से खमसा देखने के लिए सुनने के लिए बोलने के लिए चखने के लिए छूने के लिए ये जरा इलम के उनके पास भी मौजूद थे अकल भी मौजूद है हवा से खमसा के जराए पांच हवास वह भी मौजूद हैं महरूम हैं तो किस चीज से आसमानी से महरूम थे वहीं से महरूम थे जब वही का नजूल शुरू हुआ तो यही कौम मक्का वाली जो सबसे अबतर कौम कहलाती थी और सबसे पीछे वाली कौम थी अल्लाह तबारक तला ने वही की बरकत से इनको वो वोज अता फरमाया कि कैसर वारिस और रोम की सारी सल्तने सल्तनतें इनके सामने डेर होकर रह गई और वो रूम भी फतह हुआ वो फारेस भी फतह हुआ जो उस वक्त की सुपर ताकतें थी वो सारे के सारे इनके सामने आ गए किस वजह से अकल तो पहले से थी देखने का इल्म भी था सुनने का भी था बोलने का भी था सब चीजें थी क्या नहीं था वही नहीं थी लेकिन वही की तालीमत जब आना शुरू हुई और वही उतरना शुरू हुई तो वही को उन्होंने अपने सीने से लगाया रसूल पाक सल्ला वसम के पैगाम को उन्होंने अपने सीने से लगाया अल्लाह के कुरान को उन्होंने अपने सीने से लगाया तो अल्लाह पाक ने उस कौम को रूज अता फरमाया फिर वो तनज्जुल से अल्लाह ने उनको निकाला और तरक्की पर अल्लाह पाक ने लाकर खड़ा कर दिया उनको और दुनिया हैरान थी कि ये चंद नेहत्ते लोग साजो सामान भी जिनके पास नहीं है और दुनियावी एतबार से इनको हम पढ़ा लिखा भी नहीं कह सकते लेकिन इतना गलबा कैसे उनको मिल गया वो गलबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तालीमत के जरिए से वही के जरिए से हासिल हुआ तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं आज भी अगर मुसलमान तालीमत एलहिया को और वही को कुरान सन्नत को बुनियाद बनाकर चलता है कुरान और सुन्नत की रोशनी को सामने रखता है और अपनी अकल को कुरान और सुन्नत के ताबे करके जिंदगी गुजारता है तो आज भी वह अंतमुल आलाउन अल्लाह का ऐलान आज भी है कि गलबा तुम्हारा होगा अगर तुम तालीमत इलाहिया पर अमल करो तो अगर तुम रसूल पाक सल्लाम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेके आओ अगर तुम कुरान मजीद की तालीमत को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आओ वह गलबा अल्लाह तुम्हें अता करेगा तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो कमजोरी अपने अंदर की है कि हम कुरान से दूर हो गए नबीत स्लम की तालीमत से दूर हो गए तो अब मैं बात यह अर्ज कर रहा हूं इकराबिस में रब्बी खलक जो पहली वही उतरी है क्या मजमून था उसमें यह तो नहीं कहा शिर छोड़ दो यह तो नहीं कहा कुफर छोड़ दो ये भी नहीं कहा कत्ल गारत छोड़ दो ये भी नहीं कहा कि अपने मातहतों को दबाना कमज़ोरों को दबाना छोड़ दो ये भी नहीं कहा कि बच्चों को जिंदा दफन करना बुतों के भेंड चढ़ाना छोड़ दो बच्चियों को जिंदा दरगोर करना छोड़ दो ये भी नहीं कहा यह भी नहीं कहा कि बेतुल्ला तोहद का मरकज़ था इसको शर्क से बुतप्रस्ती से खाली करो और एक अल्लाह वाहद्ला शरीक की इबादत करो ये बात भी नहीं आई सबसे पहली वही जो आई है किसकी बात आई तालीम की बात आई इकर पढ़े पढ़ने का दौर आया तालीम का जमाना आया फिर निसाब बताया गया कि क्या पढ़ना है आपने निसाब समझाया ऐसे नहीं इकरा हमारे कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में असरी इदारों में ये आयत नक्श होती है इकर बिस्विर रब्बी कल्लिक खलक खलक अल इसान अमिन अलक इकर अक्रम काश के कोई इसका मकसद समझ लेता कि इस आयत को सबसे पहले क्यों नाजिल किया गया ये समझाया गया कि इस मखलूक का खालिक से रता जो कायम होगा वो वही के जरिए से कायम होगा वो कुरान के जरिए से कायम होगा वह नबीत असलम की सुन्नत के जरिए से कायम होगा और ये मखलूक उस वक्त तक राह निजात पर पहुँच ही नहीं सकती जब तक इसका खालिक से रबता ना हो और खाल से रबते की वाहिद सूरत है कुरान सुन्नत क्या रहा कायम हुआ सुबहान अल्लाह वो ताल्लुक कायम हुआ इस वही के जरिए से कि अल्लाह तबारक तला रसुलकरम सल्लाम ने बताया कि अल्लाह का यूं इरशाद है कि क्यामत के दिन अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाएगा एक बंदे से ऐ मेरे बंदे में बीमार हुआ था तो मेरी बीमार बुरसी नहीं की मैंने तो उससे खाना मांगा था तूने खाना भी नहीं खिलाया मैंने तो उससे पानी मांगा था तूने मुझे पानी भी नहीं पिलाया बंदा कहेगा अल्लाह तू तो आलमीन है तुझे खाने की क्या जरूरत तुझे पानी की क्या जरूरत तुझे किसी और चीज की क्या जरूरत तू तो अहकमुल हाकमीन है खाने पीने से पहनने से बीमारी से इन तमाम चीजों से पाक है मुबर्रा मुनज है अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे मेरा फुला बंदा बीमार था अगर तू उसकी बीमार पुरसी करता तो ऐसा होता जैसे तूने मेरी बीमार पुरसी की फलां ने तुझसे खाना मांगा था अगर उसे तू खिलाता तो ऐसा है ऐसा होता जैसे तूने मुझे खिलाया और फुला ने तुझसे पानी तलब किया था उसे तुम पिलाते तो ऐसा होता जैसे मुझे पिलाया तो यह ताल्लुक वही के जरिए से एक बंदे का अल्लाह से कायम होता है कि अब इस बंदे का अल्लाह के यहां यह मकाम हो गया है कि इस बंदे को खिलाना गोया कि अल्लाह को खिलाना अल्लाह तो खाने से पाक है लेकिन मिसाल समझाइए इसके साथ उसने करना जैसा अल्लाह के साथ उसने सुलूक करना है इसके साथ हमदर्दी करना जैसा कि अल्लाह पाक के साथ हमदर्दी करना है तो यह इल्म कहां से आया ये वही के जरिए से तो बात यह अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहला इल्म जो और सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो वह अकरा बसम रब्ल खलक उसमें बात है तालीम की तरबियत की बात आई कि अब आप तालीम अब आप तरबियत शुरू करें अब आप माहौल बनाएं, अब आसमानी और से इनको आशना कराएं अब अल्लाह का तारफ इसमें दो बातें सिखाई गई अल्लाह का तारफ जिंदगी का मकसद तुम क्यों आए हो दुनिया में यह समझाया गया और नंबर दो अल्लाह कौन है अगर मैं एक जगह पर जा रहा हूं और मुझे पता हो कि मैं फलां जगह पर इस मकसद के लिए जा रहा हूं तो मैं उस मकसद की कोशिश भी करता हूं। लेकिन अगर मैं सफर में निकल गया हूं और मुझे नहीं मालूम मैं क्यों जा रहा हूं, जिस शख्स की मंजिली मुतन न हो जिंदगी का मकसद ही मुतन न हो उससे कैसे कामयाबी की तो की जा सकती है तो रबिस में रबी के लदि खलक़ में जिंदगी का मकसद मुतिन किया गया कि तुमने अपने रब को पहचानना है ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है जिस रब ने तुम्हें बनाया है उसको पहचानना है उसको राजी रखना ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है उसकी मर्जियात के मुताबिक तुम्हें यहां वक्त गुजारना ये तुमने तालीम हासिल करनी है कि अल्लाह की मर्जी में कैसे पूरी कर लू यह तुम्हारी जिंदगी का मकसद है और यह तुम्हारी जिंदगी का मकसद है कि मेरे किस अमल से मेरा अल्लाह नाराज होगा यह तुम्हारी जिंदगी का मकसद है ये एक करब इसमें रबी कर लदी खलक में समझाया कि जब अल्लाह की अजमत दिल में आएगी जिंदगी का मकसद तुम समझ समझ जाओगे उसके बाद फिर नजूल वही का जब होना शुरू होगा जो भी हुक्म आएगा मानते चले जाएंगे मानते चले जाएंगे इसलिए अल्लाह की अजमत दिल में आ चुकी जिंदगी का मकसद मुतन हो चुका है और दुनिया में आने का मकसद मुतन हो चुका है अब हर अमल करना इनके लिए आसान होगा और फिर रसूल अक्रम सलाम को अल्लाह तबारक तला ने निसाब तालीम भी समझाया और ये निसाब तालीम वो था जो वसलाम ने बैतल्ला को बनाते वक्त तजवीज फरमाया था बैतल्ला को तामीर किया और इब्राहिम सलाम ने अल्लाह पाक से यह दुआ की कि अल्लाह मैंने बैतल्ला तो बनाया है तेरा घर मैंने तामीर किया इस घर को आबाद करने के लिए एक मुअल्लिम, एक रहबर और रहनमार रसूल की शक्ल में आप भेज दीजिए रसूल भेज और उसका तालीम क्या होना चाहिए नंबर एक यतलू अलैहिम आयाति ही उस रसूल जो निसब तालीम रसूल लेकर आएगा पहला उसका जुज यह होगा उसका पहला बाब चैप्टर यह होगा युम आयाति ही कुरान पढ़कर सुनाएगा उन्हें यह नसाब तालीम समझाया और नंबर दो वही मोहम्मल किताब दूसरा कुरान का माना समझाएगा कुरान का तलफुज समझाएगा अल्फाज सिखाएगा और दूसरा कुरान का मफहम बयान करेगा रसूल यह नसाब तालीम समझाया और नंबर तीन वल हिकमत और रसूल अपनी सुन्नत से अपने अमल से उन लोगों को अमल करके दिखाएगा यह रसूल का तीसरा फरीजा और नंबर चार व युजी हिम रसूल दिलों का तजकिया भी करेगा दिलों की सफाई भी करेगा तो गोया के निसाब में चार बातें आई नंबर एक कुरान का पढ़ना सीखना तलफुज कुरान का दुरुस्त करना नंबर दो कुर मजीद का मानना सीखना नंबर तीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की सुन्नत को सीखना और नंबर चार अपने दिलों का तजकिया करना दिलों के तजकिए से मेरी मुराद क्या है दिलों के तजकिए से मुराद ये है दिल में अल्लाह की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों के ऊपर लेकर आना दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों से गालिब करना दिल को हसद से कीने से बोग से नफरत से इन तमाम की तमाम वाहियात से अपने दिल को पाक और साफ करना ये तजकिया कहलाता है तो मेरा दोस्तों और बुजुर्गों में भी आप भी हम सब के सब अपने गरबानों में झांकें क्या जो रसूल पाक सल्लल्लाहु वसल्लम को अल्लाह पाक ने निसब तालीम देकर और इंसान की इंसानियत को सुधारने के लिए जो निसाब देकर भेजा था हमने उस निसाब को कितना सीखा हमने उस निसाब को कितना पढ़ा जिस निसाब को पढ़कर इंसान इंसान बनता है जिस निसाब को पढ़कर इंसान के दिल में हमदर्दी आती है जिस निसाब को पढ़कर इंसान के अंदर ईसार और कुर्बानी के जज्बात आते हैं क्या हमारे असरी इदारों के अंदर यह निसाब मौजूद है क्या जो पढ़ाया जाता है उससे हमारी जरूरत यह सारी की सारी पूरी हो जाएगी क्या हमारी आने वाली नस्लों की ये तमाम जरूरियात उस निसाब से पूरी हो जाती हैं जो हमारे असरी इदारों के अंदर जो निसाब पढ़ाए जाते हैं और इसकी एक मुख्तसर झलक आपने गुज्ता दिनों में या पिछले करीब में लाहौर के हालात में देख लिया सुन लिया कि जहां वही की तालीमात से जब महरूम थे तो क्या हुआ क्या इंसानी हमदर्दी है यानी मुल्क का एक, एक 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 असर रखने वाला तबका वो कला का तबका यूं समझ लीजिए कि मुल्क के मुख्तर लोग छटे हुए लोग सुधरे हुए लोग जिनको हम कहते हैं लेकिन जब वही की तालीमत से कुरान सुन्नत की तालीमत से जो तबका महरूम होता है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी ले ले, उनके दिलों के अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं आ सकती वो अंदर का बाग सब्ज नहीं हो सकता वो दिल हरा नहीं हो सकता बगैर वही के वो दिल हरा नहीं हो सकता इसके अंदर सब्जा आ ही नहीं सकता बगैर कुरान और सन्नत के जब गजा ही इसकी यही है एक आदमी को भूख लगी हुई है अब उसको रोटी चाहिए खाना चाहिए उसके सामने तुम लाखों के माल लाके ढेर कर दो वो कहेगा मुझे दो दो रोटियां चाहिए बस मेरी भूख तो इसी से मेटेगी इसी तरह से ये जो दिल अल्लाह पाक ने अता फरमाया है इसके अंदर जो इंसानी हमदर्दी आएगी इंसानी खैर खाही आएगी और इंसानी जज्बात जो इसके अंदर आएंगे और दूसरे की बेहतरी सोचने के जो जज्बात आएंगे वो तालीमत इलाहिया से आएंगे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के नतीजे से आएंगे और फिर मैं एक मिसाल और अर्ज करता हूं क्या सुबहान अल्लाह रसूल पाक वसल्लम की उस तरबियत का वो निसाब तालीम जब साहबा ने पढ़ा सीखा तो उसका नतीजा क्या आया एक मैदान जंग के अंदर एक आदमी जिंदगी के आखिरी लम्हात में है और आखिरी लम्हात में उसे पानी पीने की तलब हुई और उसने पानी का मुतालबा किया कि मुझे पानी पिलाया जाए तो पानी पिलाने वाला एक गिलास एक जाम लेकर उसके पास पहुंचता है बराबर से आवाज आई कि मुझे भी पानी पिलाया जाए वो भी तड़प रहा है वो भी जान दे रहा है जंग वहद का किस्सा है तो ये जिसने पहले मांगा था इसने कहा मेरे भाई को पहले पिला लो उसकी जरूरत ज्यादा है वो पिलाने वाला उस दूसरे के पास जाता है बराबर से तीसरे की आवाज आती है कि मुझे भी पानी पिलाया जाए दूसरा यह कहता है कि मेरे भाई की जरूरत ज्यादा है पहले इसको पिला लिया जाए ये इंसानी हमदर्दी की मिसाल जब वो तीसरे के पास पहुंचता है पिलाने वाला तो उसकी रूह परवाज कर चुकी वो दूसरे के पास आता है वो भी खत्म हो गया और वो पहले के पास आता है वो भी जामे शहादत नोश कर चुका और अल्लाह के पास पहुंच चुका इस तरह से कुर्बानी की कोई मिसाल तारीख पे मिलती है कि आदमी मरते वक्त भी दूसरे को तरजीह दे घर के अंदर अपना खुद भी भूखा है बीवी भी भूखी है बच्चे भी भूखे हैं लेकिन एक इंसान घर में आया रसूल पाक अलैहि वसल्लम का मेहमान घर में आ गया तो बीवी को यह कहता है कि बच्चों को भी सुला दो हम खुद भी नहीं खाएंगे मेहमान पेट भर कर खाना खा ले चिराग दुरुस्त करने के बहाने उठता है और उसे बुझा देता है ताकि तन्हाई अंधेरा हो जाए और खाना इतना है कि एक आदमी खा सकता है मैं मेहमान के साथ बैठ जाऊंगा ताकि मेहमान जी भर कर खाना खा ले रसूल पाक अलैहि वसल्लम का मेहमान ये ईसार के जज्बात कैसे आएंगे ये कुरान और हदीस केम से आएंगे तो मेरा जी दोस्तों बुजुर्गों जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी कुरान की और रसूल पाक अलैहि वसल्लम की तालीमत को आम करें इसे सीखने की कोशिश करें अल्लाह पाक मुझे भी आपको सबको अमल की तोफ़ी फरमाए